नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़। 9 सितंबर को एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई के पाली हिल्स स्थित ऑफिस में बीएमसी का बुलडोजर चला था। इसके बाद कंगना की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी की इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए याचिका दायर की गई थी। इसी मामले में अब एक और आरटीआई के माध्यम से बड़ा खुलासा हुआ है। कंगना के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए लगाई गई लीगल टीम को अब तक 82 लाख रुपए का भुगतान बीएमसी कर चुकी है। दरअसल मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता शरद यादव ने जानकारी मांगी थी कि कंगना रनौत द्वारा याचिका के खिलाफ बीएमसी द्वारा किस वकील को नियुक्त किया गया था और उन्हें कितना भुगतान किया गया है। जवाब में बीएमसी ने कहा कि इस मामले की उच्च न्यायालय में पैरवी के लिए आकांक्षा चिनाय को वकील के रूप में नियुक्त किया गया है। नगर पालिका के कानून के विभाग के अनुसार उन्हें 22 सितंबर को 7,50,000 के हिसाब से 3 बार और 7 अक्टूबर को 7,50,000 के हिसाब से 8 बार का भुगतान किया गया है। आरटीआई में हुई इस खुलासे के बाद कंगना रनौत ने बुधवार को एक ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर फिर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने ट्वीट किया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मेरे घर पर हुई अवैध तोड़फोड़ के लिए अब तक 82 लाख रुपए खर्च किए हैं। एक लड़की को चिढ़ाने के लिए पापा के पप्पू ने जनता के पैसे खर्च किए हैं। आज इस जगह महाराष्ट्र खड़ा हो गया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कंगना रनौत मामले के लिए बीएमसी पर 82 लाख रुपए खर्च करने पर भाजपा नेता नीतीश राणा ने भी आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, वाव, मुंबई कर इसलिए टैक्स दे रहा है पेंगुइन के लिए, कंगना के खिलाफ केस करने वाले वकीलों के लिए अब क्या बचा है, इनके बच्चों की शादी भी हमारे पैसों से ही होनी लगती है।